मुझे लग रहा है कि मैं भी देव जो मैं वही हो सकता हूँ, धोती पकड़ के जय हो। भैया मुझे करना क्या पड़ेगा, चलो मुझे बताओ। तो मुखर्जी कहते हैं तू मेरी अपलाइन के पास सब पता है कि वो ही। अब अपलाइन कौन होते हैं? अशोक कुमार बैठे हो मेरी तरह। मैं अपनी जवानी में सब कुछ कर चुका हूँ। मैंने अपनी छोटी छोटी लड़की को अपना माँ का रोल करवाया। मेरी 91 साल की उम्र में मैं मर गया, अभी आत्मा जिंदा। मैं तेरे को बताता हूँ सेफ शॉप में क्या करना पड़ेगा। कड़बा कड़बा कड़ता हूँ इनाम मेरा टिक रहा है। इनाम दो नंबर ये करना बिल्कुल नहीं। तेरे को लिस्ट बनानी पड़ेगी, कहीं से भी ले लिस्ट। लिस्ट बना, लोगों को ज्वाइन करा, लोगों के पास जा, लोगों के भैया जाओ। मैं लिस्ट बना के जाऊंगा किधर? बेटा एक काम कर, तो मेरे साथ शत्रु के घर चल। अब शत्रुघ्न सिन्हा के पास पहुंचते थे हम लोग, कैसे बोलते हैं खामोश खबरदार, देश में कोई नहीं बोलेगा। हाँ हाँ मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे मालूम पड़ा कि सेफ शॉप नाम की कोई कंपनी आई है, उसके अंदर में ज्वाइन होने के बाद बहुत सारा काम करूंगा और सोनाक्षी को टाउन में डाल के क्यूएसी अवार्ड ले लूंगा। बेटे काम तो करना पड़ेगा, तू लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट हमारे पीछे रहती है क्योंकि हम जो सोचते हैं वो करके रहते हैं, क्योंकि हमारा नाम शत्रु है। हमारे शत्रु हो और तुम किसके दोस्त हो भैया, सभी बता दो। इतने में ये पूछते हैं धर्मेंद्र साहब के पास, और उनको बोलते हैं कि जब तुम ज्वाइन हो जाओ तो धर्मेंद्र साहब क्या बोलते हैं? ऐसा लगता है मुझे जानते हो नहीं, अगर जानना चाहते हैं तो ये खाली है, पहले आपको सेफ शॉप में ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी, सूट पहनना पड़ेगा, मेरे बेटे सन्नी की तरह जट यमला पगला करना पड़ेगा। मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैंने सोच लिया है मैं अपनी हेमा को जन कराऊंगा, पंच के शोले में नाच और गब्बर सिंह हमारे क्यूएसी अवार्ड बनेगा। मैं दूसरी लेग खोलूंगा, पूरा का पूरा सिस्टम मेरे पास होगा और सोवरन सर के साथ जाके पूरी की पूरी लोगों को ट्रेनिंग दिलवाऊंगा। तो वो सन्नी देओल साहब को पता चल जाता है कि पिताजी जॉइन हो रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? आओ जी बाबू जी, मुझे लगता है कि सारे के सारे लोग सेफ शॉप में ज्वाइन हो रहे हैं और ये सारे के सारे सूट पहन रहे हैं। मेरे पास में सिर्फ धोती और पगड़ी है, मैं सूट क्यों नहीं पहन रहा हूं? मुझे सूट चाहिए किसी भी कीमत पर। अब तो कई कलरों में आ गए, जिस पे भी लगाओ उंगली वो वाला मंगवा लो। आप तो 15,000 रुपए वाला भी सूट है बाबू जी, मैं वो लूंगा। नहीं हमको जरूरी सूट पहनना, हम सूट पहनेंगे तभी तो बड़े आदमी बनेंगे। हाँ बाबू जी, इधर में गब्बर सिंह को पता चल जाता है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ से 50-50 को दूर गांव जब बच्चा रोता है तो माँ बोलती है बेटे सेफ शॉप के अंदर ज्वाइन हो जाओ। गब्बर सिंह को तुम मना कर रहे हो? अरे ठाकुर किधर गया? ए ठाकुर, ए गब्बर आया है तेरे दरवाजे पे तेरी ज्वाइनिंग लेने। ठाकुर साहब आते हैं, रुक जा गब्बर, रुक जा। मैंने पहले बसंती की आईडी लगाई थी और किसी ने क्रॉस लाइन कर ली, पर मैं उसको बताना चाहता हूँ कंपनी का एक नियम आया है, पैन कार्ड मेरी तरह भी लगा हुआ है, अगर उसके 20% कटेंगे तो रोएगी वो। और गब्बर तूने जो गलत काम किया है तेरी आईडी भी एड हो सकती है।
अरे ठाकुर करो ना, ये पूरा नाम कर जानता है कि इनकी अप्लाई कौन है, गब्बर और कौन हो सकता है अप्लाई के अंदर। इतने में असरानी साहब पहुंच जाते हैं, आबे ओ हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हमारी जेल में सुरंग, मेरे एक लेग में आधे लोग आ जाओ, दूसरी में आधे, बाकी मेरे साथ आओ। आबेल मैं तो दामन हूं। इतने में नाना पाटेकर साहब खुल ले गए, तो क्या बोलते? अच्छा है, बहुत अच्छा। सुबह घर से निकलो, काम पे जाओ, रात को दारू पियो, मर जाओ साला मच्छर। मेरे भी मन में आया कि सेफ शॉप में जॉइन हो जाता हूँ, पर मुझे किसी ने बोला लिस्ट बना, कहा है लिस्ट, भेजे में है लिस्ट। कोई कहता है ड्रीम बना, कंकर से बना, कहां से ला, मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे मालूम पड़ा है सोवरन सर की ट्रेनिंग हो रही है। मैं उसके अंदर गया, उसमें न जाके मैंने सब सीखा कि मुझे एजुकेशन चाहिए, और एजुकेशन देने के बाद देख मैं डायमंड बन गया हूँ। देख करम अली भाई, अगर तेरे को डायमंड बनना है तो तेरे को एजुकेशन लेना जरूरी है। अमृत पुरी साहब कैसे बोलते हैं, मिस्टर इंडिया डोंट, कभी रोंग नहीं होता। अरे बुलेटी फूल, हमारा गुड़िया का आईडी लग चुका है, हम गली लगा चुका हूँ, हम सोऊंगा नहीं, जागूंगा और रात भर काम करूंगा। अब क्या है कि हमारे मोदी साहब को मदद कर गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो क्या बोलते हैं टेक टॉक के लिए, नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आपके सामने आ गया हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताइए, बाजार से आप प्रोडक्ट खरीदते हो ना, उस प्रोडक्ट को खरीदने का क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता, वो कंपनी की जेब में जाता है, पर तुम हमारी सेफ शॉप से प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपकी जेब में लाखों रुपए आते हैं। लाखों रुपए आना जी के नहीं आना चाहिए, आना जी के नहीं आना चाहिए, आना जी के नहीं आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो आपको भी सेफ शॉप में आईडी लगाना चाहिए। इसी के साथ मैं इजाजत देता हूँ, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।